हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद, आलोकन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ में एक नया टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टॉपिक है वैदिक सभ्यता। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता प्राचीन काल के अंदर हड़प्पा सभ्यता के बाद में और छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में इस सभ्यता का विकास होता है। और अगर इस सभ्यता के बारे में जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में देखा जाए तो ये अर्ध कबायली, घुमक्कट और ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, अर्ध कबायली, जिसको अंग्रेजी में सेमी नोमैडिक बोलते हैं, ग्रामीण वे घुमक्कड़, संस्कृति थी। ठीक है, यानी जो इसकी इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक इसकी विशेषताएं हैं वो हैं घुमक्कड़ टाइप की है। यानी एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ये लोग पशुचारण करते हुए विचरित करते थे, ग्रामीण परिवेश था। अब आज इस सभ्यता के अंतर्गत जिन बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे उनको अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो आज हम इस सभ्यता के जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे सबसे पहले हम इस सभ्यता का परिचय देखेंगे, उसके बाद इस सभ्यता का जो काल क्रम है उसके बारे में देखेंगे, इसके बाद जो इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत हैं, जानकारी के स्रोत उसके बारे में देखेंगे, इसके बाद में इस सभ्यता के लोगों का जो मूल निवास स्थान संबंधित जो मत है उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर इनका जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में देखेंगे, और अगले बिंदु के तौर पर हम इनके जीवन की विशेषताएं जिसके अंतर्गत समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था और इनका जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में देखेंगे, और अंत में हम देखेंगे जो साहित्य इस समय लिखा गया था जिसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने जो बिंदु इस सभ्यता के अंतर्गत जो बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे उनके बारे में हमने देखा, और इसके अंतर्गत हम यहाँ देख रहे हैं कि इनका जो परिचय है उसको समझेंगे, इनका कालक्रम है उसके बारे में देखेंगे, जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे, और इनके मूल निवास स्थान यानी ये भारत के रहने वाले थे या बाहर से आने वाली प्रजाति थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद में जो इनका भौगोलिक विस्तार है यानी भारत के किन क्षेत्रों में या कहाँ तक इनका जो विस्तार था उसके बारे में देखेंगे, फिर इनके जीवन की जो मुख्य विशेषताएं हैं यानी इस समय का समाज कैसा है उसको देखेंगे, धर्म कैसा है उसके बारे में देखेंगे, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक जीवन है उसको समझने का प्रयास करेंगे, और फिर इसके इस समय जो साहित्य लिखा गया था उसको विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो पहला बिंदु है
इनका जो सामान्य परिचय है उसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। परिचय, परिचय के अंतर्गत जैसे वैदिक सभ्यता, यहां पर ये जो वैदिक शब्द है ये वेद से बना है और वेद यहां पर विद धातु से बना है जिसका मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। वैदिक सभ्यता, उसमें जो वैदिक शब्द है वो विद धातु से बना है और उसका मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। अब अगर इस ज्ञान के निर्माता की बात करें कि इस ज्ञान के निर्माता कौन थे या जो वैदिक सभ्यता है उसके निर्माता कौन थे, तो इसके निर्माता हैं आर्य। ये जो आर्य शब्द है ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो वैदिक शब्द है वो विद धातु से बना है और विद धातु का मतलब होता है ज्ञान। अब अगर इस ज्ञान के निर्माता की बात करें तो इस ज्ञान के निर्माता हैं आर्य, और आर्य जो शब्द है वो है संस्कृत भाषा का और उसका मतलब होता है श्रेष्ठ। कहने का मतलब श्रेष्ठ जनों द्वारा निर्मित जो ज्ञान है या फिर श्रेष्ठ जनों द्वारा निर्मित जो संस्कृति है या जो सभ्यता है उसको क्या कहा गया है, वैदिक सभ्यता, ठीक है। यहाँ पर सभ्यता, संस्कृति जैसे शब्द आ रहे हैं उनके बारे में हम अलग से इन बिंदुओं के ऊपर अलग से क्लास करेंगे, ठीक है। अब अगर आर्यों के बारे में बात करें कि आर्य थे कौन या फिर ये जो शब्द है ये कहाँ से आ रहा है, तो कुछ इतिहासकारों ने कहा कि आर्य एक जाति विशेष थी, लेकिन बाद में जब जो भाषा विज्ञानिकों ने बार बार रिसर्च की इस बात के ऊपर, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्य एक जाति विशेष के तौर पे थे, क्योंकि ऐसी चीज़ें संभव नहीं है। बाद में जब इन चीज़ों पे रिसर्च होती है तो इनके बारे में कहा गया कि जो भारोपीय भाषा समूह के जो लोग हैं उनमें से आर्य भी हैं, यानी जो लोग भारोपीय से मतलब ये है कि जो भाषा मध्य एशिया से ऊपरी भाग, कहने का मतलब मध्य एशिया और यूरोप के आसपास का जो भूभाग है उसमें जो भाषा बोली जाती थी या उस भाषा समूह के जो लोग हैं, और यहाँ पर जो भाषा बोली जा रही है वो बेसिकली है संस्कृत, यानी भारोपीय भाषा और उसमें भी जो संस्कृत भाषा बोलने वाले लोगों का जो समूह है उसको बोला गया यहाँ पर आर्य। तो ये तो था इनके बारे में एक सामान्य परिचय। अब देखते हैं जो हमारी सभ्यता है वैदिक सभ्यता, इसके काल क्रम के बारे में। तो काल क्रम के बारे में अगर देखा जाए तो पूरा जो वैदिक काल है उसका काल क्रम है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। लेकिन इतिहासकारों ने क्या किया है कि कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक परिवर्तन होने की वजह से, खासकर के होता क्या है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो गंगा का मैदानी भाग है उसमें लोहे की खोज होती है, और लोहे की खोज की वजह से यहाँ पर कृषि कार्यों के अंदर या फिर जो उपकरण हैं, लोहे के उपकरण हैं, उनमें बढ़ोतरी होती है और काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। इसकी वजह से इतिहासकारों ने क्या किया कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में
पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में मतलब अलग अलग भागों में देखने का प्रयास किया है। तो हम इन्हीं दो के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पूर्व वैदिक काल, इसका जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और जो दूसरा इसका समय है उत्तर वैदिक काल का वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो वैदिक सभ्यता है उसका कालक्रम क्या है। तो कालक्रम के अंतर्गत हमने देखा कि इसका जो पूरा कालक्रम है पूरी वैदिक सभ्यता का वो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का। लेकिन इतिहासकारों ने जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके आधार पर इसको दो भागों में बांटा है, चाहे वो साहित्य के अंतर्गत परिवर्तन हो या फिर धार्मिक चीज़ों में या फिर अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो, तो इसके अंतर्गत इन्होंने दो भागों में बांटा। एक पहले वाला भाग है उसको नाम दिया पूर्व वैदिक काल और इसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और दूसरा जो भाग है वो है उत्तर वैदिक काल, इसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अब हम देखते हैं इस सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, जो वैदिक काल है उसको हमने दो भागों में बांटा है। यहाँ पर एक है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। और हम चर्चा कर रहे हैं जो जानकारी के स्रोत हैं उनके बारे में। ठीक है, अब अगर बात करें पूर्व वैदिक काल की जानकारी के स्रोतों के बारे में, तो इसको हम दो भागों में देखेंगे। एक पुरातात्विक स्रोत इस समय क्या मिलते हैं और एक साहित्य इस समय क्या मिलता है उसके बारे में। तो अगर पूर्व वैदिक काल की बात करें तो नंबर एक के ऊपर हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोत, और नंबर दो पे हम देखेंगे इस समय हमें साहित्यिक स्रोत क्या मिल रहे हैं जिनके बारे में। अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो यहाँ पर हमें एक तो गैरुवर्णी मृदभांड मिल रहे हैं। नंबर दो पे बात करें तो यहाँ पर हमें काले एवं लाल मृदभांड मिल रहे हैं और एक हमें यहाँ पर ताम्रपुंज मिल रहे हैं। ठीक है, ताम्र उपकरण कह सकते हैं या ताम्रपुंज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर साहित्य की यहाँ पर बात करें तो हमें एक साहित्यिक स्रोत मिल रहा है और वो है ऋग्वेद। तो ये तो बात थी पूर्व वैदिक काल की जानकारी के स्रोतों के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग उत्तर वैदिक की जानकारी के स्रोत के बारे में। तो यहाँ पर नंबर एक में हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलते हैं नंबर एक के ऊपर चित्रित दूसर मृदभांड, चित्रित दूसर मृदभांड, और दूसरा है उत्तरी काले पालिसदार मृदभांड। ठीक है, और अगर साहित्य की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में हमें मिल रहा है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद।
ठीक है। तो ये थे जो वैदिक काल है उसको हमने दो भागों में बांटा, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसके अंतर्गत हमने जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको अलग से देखा और पुरातात्विक स्रोत हैं उनको अलग से देखा। अब अगर बात करें कि जो पूर्व वैदिक काल है उसके पुरातात्विक स्रोत क्या हैं, तो यहाँ पर हमें गैरुवर्णीय मृदभांड मिल रहे हैं, काले लाल मृदभांड मिल रहे हैं और ताम्रपुंज हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। ये थे पुरातात्विक स्रोत। और अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो यहाँ हमें मिल रहा है सिर्फ ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद में जो साहित्य हमें मिलता है या ऋग्वेद से हमें जो जानकारी मिलती है वो हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। चाहे वो विस्तार हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो राजनीति हो, जो चीज़ें पूर्व ऋग्वेद में हमें मिलती हैं वो सारी जानकारी हमें पूर्व वैदिक काल के बारे में देती है, ठीक है। अब अगर उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो हमें चित्री दूसर मृदभांड मिल रहे हैं, उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सारी सामग्री हमें साहित्यिक स्रोतों के रूप में मिल रही है। और एक चीज़ और है कि उत्तर वैदिक काल में होता क्या है, 1050 BC के आसपास उत्तर प्रदेश में एक जगह है अतरंजी खेड़ा, ये एटा जिले में है, वहाँ हमें लोहे की जानकारी मिलती है। जो भी उत्तर वैदिक काल के जो परिवर्तन हैं या पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के अंदर जो विभाजन हम कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये जो लोहे के अवशेष मिल रहे हैं यहाँ पर, इसे क्या होगा कि जो कृषि है उसमें हमें क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा जानकारी के स्रोतों के बारे में, जो चीज़ें हमें मिली हैं पुरातात्विक और साहित्य उसके बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं जो आर्यों के बारे में या जो वैदिक सभ्यता के निर्माता हैं उनके मूल निवास संबंधित जो मत हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। मूल निवास संबंधित मत, इस संदर्भ में देखो अलग अलग मत हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक है उनका मत है, दयानंद सरस्वती है उनका मत है, पी गाइल्स है उनका मत है, गंगानाथ झा है उनका मत है, मैक्स मुलर है उनका मत है, डॉक्टर संपूर्णानंद है उनका मत है। तो इन्होंने अलग अलग जगहों को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। देखते हैं सबसे पहला जो मत है वो है बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक ने जो जगह बताई है वो है आर्कटिक प्रदेश, उत्तरी ध्रुव को इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, और इन्होंने जो तिब्बत का भाग है या तिब्बत का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। तीसरा जो मत है वो है पी गाइल्स का, इन्होंने डेन्यूब नदी घाटी व हंगरी वाला जो क्षेत्र है यूरोप के अंदर उस जगह को इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। एक और व्यक्ति हैं गंगानाथ झा, गंगानाथ झा के अनुसार
भारत में एक जगह है ब्रह्म ऋषि, प्रदेश, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो गंगानाथ झा ने ब्रह्म ऋषि प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। अगला जो मत है वो है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान है वो है मध्य एशिया। मध्य एशिया के भूभाग को मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। और इसी मत का समर्थन करते हुए डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, जिन्होंने आल्पस पर्वत यानी जो यूराल प्रदेश है, सॉरी आल्पस प्रदेश का जो भूभाग है, जो एक तरीके से स्टेपी घास के मैदान हैं, वहाँ से आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद, इनके अनुसार आल्पस पर्वत के पास के जो स्टेपी ग्रास के मैदान हैं, स्टेपी घास के जो मैदान हैं, उनको आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। इन मतों के ऊपर काफी शोध होता है और इनके अंतर्गत जो मत सबसे ज्यादा मान्य है, जिसको एनसीईआरटी वगैरह और ज्यादातर विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, वो समर्थन करते हैं, वो है मैक्स मूलर। और जो डॉक्टर संपूर्णानंद का मत है उसको सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता है, या इसी मत को ज़्यादा माना जाता है। तो चर्चा करते हैं हम, पहले थोड़ा इनके बारे में देखते हैं कि जैसे हमने देखा मूल निवास संबंधित जो मत हैं उसमें हमने एक सबसे पहले जो विचार है वो बाल गंगाधर तिलक का है। उनके अनुसार जो निवास स्थान है वो आर्कटिक प्रदेश है। दूसरा जो मत है वो दयानंद सरस्वती का है, इन्होंने तिब्बत को माना है। पी गाइल्स के अनुसार डेनूब नदी और हंगरी के आसपास का जो भूभाग है यूरोप में, वो मूल निवास स्थान है। गंगानाथ झा के अनुसार ब्रह्म ऋषि प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान है। और मैक्स मूलर के अनुसार जो मध्य एशिया का भूभाग है वहाँ से आर्यों का मूल निवास स्थान है। और डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार आल्पस पर्वत के आसपास का जो भूभाग है वो आर्यों का मूल निवास स्थान है। अब हम चर्चा करते हैं कि मैक्स मूलर और डॉक्टर संपूर्णानंद का जो मत है उसको मानने के पीछे कारण क्या है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो समर्थन मिला है वो है मैक्स मूलर का मत है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैक्स मूलर का मत, अगर बात करें मैक्स मूलर के मत की, तो होता क्या है कि जो भारत में आर्य हैं और जो मध्य एशिया में या यूराल पर्वत के आसपास के जो लोग हैं, जो जिनकी जो संस्कृति है वो एक तरीके से समान है, तो हम कह सकते हैं इस मत को मानने के पीछे कारण जो है कि इनकी जो संस्कृति है, संस्कृति समान पाई गई है। ठीक है, संस्कृति समान पाई गई है। और उसके अंतर्गत अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो होता ये है कि भारतीय और जो मध्य एशिया में प्रजाति है वहाँ पर, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे, जैसे मान लीजिए बुर्ज है, देवदारू है, मैपिल है, तो इनमें क्या है, समानता है। यानी ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है और वैसे यही चीज़ें वहाँ पे या वहाँ के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। दूसरा जो समानता का कारण है वो ये है कि जैसे पशु पक्षी या जानवर जो हैं उनमें भी समानता है, जैसे मान लीजिए कुत्ता है, घोड़ा है, तो ये चीज़ें यहाँ भी देखने को मिल रही हैं, या जो इनके नाम हैं वो यहाँ भी वही हैं और वहाँ भी
मतलब सेम टाइप के हैं, इस कारण से इन चीज़ों में समानता देखने को मिलती है। बात करें अगर घोड़े की, तो घोड़ा क्या है, हमारे यहाँ जो आर्य लोग हैं उनका भी प्रिय पशु है, या उनकी जो उनकी उनका जो आर्थिक जीवन है उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनको गति प्रदान करता है, या रथ वगैरह में उसको प्रयोग में लेते हैं। और ऐसे ही साक्ष्य हमें यूराल पर्वत और जो मध्य एशिया का भूभाग है वहाँ पर हमें घोड़े की हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। ये जो हड्डियाँ हैं ये एक जगह हमें 3000 ईसा पूर्व के लगभग के साक्ष्य देती हैं और एक जगह हमें 600 ईसा पूर्व के लगभग का साक्ष्य देती हैं। तो इस तरीके से क्या है कि वहाँ पर जो जानवर हैं वो समान हैं और पेड़ पौधे हैं उनमें समानता है। अगर भाषा की बात करें, भाषा की अगर समानता की बात करें, तो संस्कृत जो भाषा है ये यहाँ भी बोली जा रही है, आर्यों की भी मुख्य भाषा है और वहाँ जो मध्य एशिया में लोग हैं वो भी यही भाषा बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो भाषा है उसमें भी समानता देखने को मिलती है। इस कारण से इनके अंतर्गत भारोपीय भाषागत समानता देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये थे जो मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है उसको जो समर्थन मिलता है उसके पीछे इतने सारे कारण हैं। अब हम जो मैक्स मूलर का मत है उसको आगे जो समर्थन मिलता है, यानी जैसे जैसे आर्यों का मध्य एशिया से भारत की तरफ विस्तार हो रहा है तो फिर कुछ चीज़ें और मिलती हैं जो इस मत को ज़्यादा मजबूत करती हैं। उसमें होता क्या है कि तीन तो अभिलेख मिलते हैं हमें और एक हमें ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है अवेंस्ता, जो ईरानी ग्रंथ है, और तीन अभिलेख हमें मध्य एशिया से प्राप्त होते हैं। एक तो हिटाइट का है 2200 ईसा पूर्व का, एक कसाइट का अभिलेख है 1600 ईसा पूर्व का, और एक बोगजगोई का अभिलेख है 1400 ईसा पूर्व का। तो ये भी हमें क्या है, इस मैक्स मूलर के मत को, जो इसका मत है उसको समर्थन प्रदान करते हैं। तो देखते हैं आगे जो अभिलेख और ग्रंथ मिले हैं उनके बारे में। हमें सबसे पहले जो अभिलेख मिला है वो है हिटाइट अभिलेख, मध्य एशिया में मिला है और ये 2200 ईसा पूर्व का है। दूसरा जो अभिलेख है वो है कसाइट अभिलेख, ये 1600 ईसा पूर्व का है, और इन दोनों में क्या है, आर्य नाम का उल्लेख मिलता है, आर्य नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तीसरा जो अभिलेख है वो है बोगजगोई का अभिलेख, बोगजगोई का अभिलेख। इस ग्रह अभिलेख की खासियत ये है कि इसमें इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य नामक देवताओं का उल्लेख मिलता है, और ये जो देवता हैं ये हमारे ऋग्वेद के अंदर जो मुख्य देवता थे उनसे समानता, एक तरीके से उनके साथ में समानता स्थापित की जाती है, या जैसी प्रकृति इनकी है वैसी प्रकृति हमारे ऋग्वेद में जो देवता हैं उनकी भी देखने को मिलती है। और बात करें अगर ग्रंथ की, तो ग्रंथ है जिंद अवेंस्ता, ये ईरानी ग्रंथ है, और इसकी खासियत ये है कि जो विषय वस्तु जिंत अवेस्ता में दी गई है
उसी के समान विषय वस्तु हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से होता यह है कि आर्यों का मूल निवास स्थान के संबंध में हमने चर्चा की, अलग अलग जो विचारक थे उनके बारे में, जैसे बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान जो आर्कटिक प्रदेश है उसको माना है, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत वाले भूभाग को माना है, गंगानाथ झा ने ब्रह्मऋषि प्रदेश को माना है, पी गाइल्स ने डेन्यूब नदी और हंगरी का प्रदेश है उसको माना है, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके मत को समर्थन नहीं मिलता है। लेकिन मैक्स मुलर और डॉक्टर संपूर्णानंद ने जो मध्य एशिया वाला भूभाग है उसको आर्यों का मूल निवास स्थान माना, और उसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिए कि इस कारण से आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया और यूराल प्रदेश, यूराल पर्वत का जो प्रदेश है, जो स्टेपी घास के मैदान हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग पशु चराते थे और कृषि एक गौण तरीके से की जाती थी, यानी द्वितीयक तरह का आर्थिक क्रियाकलाप था। तो वहाँ से क्या होता है कि किन्हीं कारणों से जो आर्य हैं वो अलग अलग प्रजातियों के रूप में या अलग अलग समय में भारत की तरफ, खास करके जो सप्त सैंधव भूभाग है उसमें आते हैं, मध्य एशिया से अफगानिस्तान होते हुए, और उन्होंने इसके पीछे बहुत सारे तर्क भी दिए हैं और उनके जो उनका जो मत है उसको समर्थन भी मिल रहा है, जिसके पीछे हमने कई चीज़ें देखी और उनके अंतर्गत हमने अभिलेख भी देखे, जैसे हिटाइट का अभिलेख है, कसाइट अभिलेख है जिसमें आर्यों के नाम का उल्लेख मिलता है, बोगजगाई का अभिलेख है जिसमें कई देवताओं के बारे में चर्चा की गई है, और जिंत अवेस्ता जो ईरानी ग्रंथ है उसकी विषय वस्तु हमारे ऋग्वेद की विषय वस्तु है जिससे मेल खाती है। तो ये था आर्यों का जो मूल निवास स्थान है मध्य एशिया वाला भूभाग, उसके बारे में मत, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आर्य अगर मध्य एशिया से आ रहे हैं तो उनका जो पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में जो विस्तार होता है भारत में, खास करके उत्तर भारत में, उसके बारे में, ठीक है। बात करते हैं वैदिक सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। पिछले बिंदु के अंतर्गत हमने देखा कि ये मध्य एशिया से आ रहे हैं, अब होगा क्या कि जैसे मानचित्र के हिसाब से देखें तो ये भारतीय भूभाग है जिसके अंतर्गत पाकिस्तान उस समय भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा होता था, और आर्यों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की कि वो मध्य एशिया है उसमें यूराल पर्वत के आसपास रहते हैं, यूराल पर्वत वाला जो भूभाग है ये आर्यों का मूल निवास स्थान है। ठीक है, अब होगा क्या कि सबसे पहले ये मध्य एशिया से होते हुए जो अफगानिस्तान वाला भूभाग है, सबसे पहले ये अफगानिस्तान वाले भूभाग में प्रवेश करेंगे। इसके पीछे कारण क्या है कि हमें ऋग्वेद के अंदर जो अफगानिस्तान में चार नदियां बहती थी उनका उल्लेख मिलता है, तो अफगानिस्तान की नदियां हैं कुंबा, कुर्मू, स्वात व गोमल, ये चार नदियां हैं जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है। यानी आर्य क्या कर रहे हैं, मध्य एशिया से पशुचारण करते हुए सबसे पहले अफगानिस्तान में आते हैं, और अफगानिस्तान
का जो जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद के अंदर, अफगानिस्तान में जो नदियां बहती हैं, चार नदियां जैसे कुंभा है, कुरमू है, गोमल है, स्वात है, उनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब जो इनका अगला क्रम होगा वो है भारत का जो पश्चिमी उत्तर भाग है, खास करके पाकिस्तान और पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र, उसमें ये प्रवेश करेंगे। और ये प्रदेश है उसको नाम दिया गया है इस वाले भूभाग को सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश में ये लोग आते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि इनको एक तो उर्वरक जमीन मिलती है, घास वाली जमीन मिलती है, इनका मुख्य जो पेशा है वो पशुचारण है, और यहाँ पर ये लंबे समय तक पशुचारण करते हैं और ऋग्वेद की रचना यहाँ पर होती है। सप्त सैंधव से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि इस जगह के ऊपर या इस क्षेत्र में सात नदियाँ बहती हैं। नदियाँ हैं सरस्वती, सिंधु, रावी, जेलम, सतलज और व्यास। ठीक है, ये जो सात नदियां हैं और एक और है चिनाव, ये सात नदियां हैं। इन सात नदियों का जो भूभाग है उसको नाम दिया गया है सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, यहाँ आर्य काफ़ी लंबे समय रहते हैं और यहाँ पर होता यह है कि ऋग्वेद की रचना होती है। तो मैन क्या है, इस जगह के ऊपर जो सप्त सैंधव वाला भूभाग है यहाँ पर ऋग्वेद की रचना होती है। और क्या होता है, इनको जो सिंधु नदी है इससे काफ़ी लगाव है, या इनके लिए ये एक तरीके से महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि इसका बार बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, और दूसरी एक नदी है सरस्वती। तो सरस्वती जो नदी है वो पवित्र नदी है और इन्होंने इसको बोला है नदी तमा। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे हैं सप्त सैंधव वाले भूभाग की। सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत ये लोग आते हैं अफगानिस्तान होते हुए, यहाँ पर जो सात नदियाँ हैं उन सात नदियों वाला भूभाग, सरस्वती, सिंधु, रावी, जेलम, सतलज, व्यास और चिनाव नदी का जो भूभाग है इसमें आकर के ये ऋग्वेद की रचना करते हैं। यहाँ पर जो सिंधु नदी है वो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका बार बार उल्लेख मिलता है, और जो सरस्वती नदी है वो इनकी पवित्र नदी है क्योंकि उसको यहाँ पर नदी तमा कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद में जो इनका भौगोलिक विस्तार होता है उसके बारे में देखते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि ये लोग मध्य एशिया से आ रहे हैं और भारत का जो सप्त सैंधव प्रदेश है उसमें ये लोग आकर के रहने लग जाते हैं। ठीक है, यानी ये वाला भूभाग है इसमें आकर के ये रहने लग जाते हैं और इसको नाम दिया गया है सप्त सैंधव। और यहाँ पर हो क्या रहा है, ऋग्वेद की रचना। थोड़े समय बाद में होता यह है कि इनका विस्तार थोड़ा आगे बढ़ता है और ये जो कुरुक्षेत्र वाला भूभाग है, यानी अगला जो विस्तार होगा दूसरे नंबर पर वो है कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र, कुरुक्षेत्र वाला भूभाग, इसके ऊपर ये लोग अधिकार करते हैं और इस प्रदेश को ये नाम देते हैं ब्रह्मव्रत प्रदेश। तो जो कुरुक्षेत्र वाला भूभाग है उसको नाम दिया इन्होंने ब्रह्मव्रत। ब्रह्मव्रत प्रदेश। ठीक है, तो ये जो विस्तार है ये है पूर्व वैदिक काल का या ऋग्वेदिक काल का जो इनका विस्तार है ये होता है सप्त सैंधव प्रदेश तक और थोड़ा सा आगे ब्रह्मव्रत प्रदेश तक।
ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कि मध्य एशिया से ये लोग आ रहे हैं, अफगानिस्तान में कुछ समय इनका ठहराव होता है, जो उसका कारण क्या है कि ऋग्वेद में हमें चार नदियों का उल्लेख मिलता है, उसके बाद में ये सप्त सिंधु प्रदेश में आते हैं और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उस प्रदेश को नाम देते हैं ये लोग ब्रह्मवर्त प्रदेश। ये है पूर्व वैदिक काल का जो आर्यों का विस्तार है उसके बारे में जानकारी। अब आगे हम देखते हैं कि इनका जो उत्तर वैदिक काल में विस्तार होता है उसके बारे में। उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करें तो एक शतपथ ब्राह्मण में एक कथा देखने को मिलती है विदेह माधव की। इस कहानी के अंतर्गत या इस कथा में दिया गया है कि जो माधव है वो वैश्वानर अग्नि को मुंह में डाल करके घृत का जब वो आवाज़ निकालता है तो अग्नि उसके मुंह से निकल करके धरती पे गिर जाती है और वो सब कुछ जलाती हुई पूर्व की तरफ बढ़ती है और आखिर में जो बिहार की सदानीरा नदी है जिसको गंडक नदी बोलते हैं उसको वो जला नहीं पाती और इस कारण से आर्यों का जो पूर्वी विस्तार है वो सदानीरा तक जाकर के रुक जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा जो उत्तर वैदिक कालीन विस्तार है उसके बारे में और ये जानकारी हमें मिलती है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण की विदेह माधव कथा से। ठीक है, इस विदेह माधव के अंतर्गत हमने देखा कि जो माधव है वो वैश्वानर, वैश्वानर अग्नि को मुंह में लेता है, को मुंह में डालता है और जब ये घृत की आवाज़ निकालता है, घृत की आवाज़ निकालता है तो अग्नि मुंह से निकलकर धरती पर गिर जाती है, धरती पर गिर जाती है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि इनका विस्तार है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, पूर्वी भारत में सदानीरा नदी तक। तो यहाँ दोबारा समझते हैं जैसे हमने देखा पहले इनका जो विस्तार है वो है सप्त सिंधु प्रदेश में, ये सप्त सिंधु वाला भूभाग हो गया, उसके बाद में ये लोग आते हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र वाले भाग में और इसको नाम दिया गया है ब्रह्मव्रत प्रदेश, ये नंबर एक है और ये नंबर दो है जो अगला विस्तार है। अब विदेह माधव ने हमने देखा कि इनका विस्तार हो जाता है गंडक नदी तक या फिर सदानीरा नदी तक, बिहार की सदानीरा नदी है वहाँ तक, यानी कहने का मतलब जो गंगा और यमुना का दोआब है, गंगा और यमुना का दोआब है उसमें आर्यों का अब भौगोलिक विस्तार हो गया है। पहले सप्त सिंधु प्रदेश में, फिर ब्रह्मव्रत प्रदेश में और अब ये आ रहे हैं ब्रह्म ऋषि प्रदेश में। तो जो नंबर तीन है वो है ब्रह्म ऋषि प्रदेश। ठीक है, तीसरे नंबर में जो इनका भौगोलिक विस्तार होता है विदेह माधव की कथा के अनुसार वो है ब्रह्म ऋषि प्रदेश और ये क्षेत्र कौन सा है, दोआब वाला गंगा और यमुना का प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में होगा क्या कि इनका जो भौगोलिक विस्तार है वो थोड़ा नीचे की ओर, यानी जो मध्य प्रदेश का या मध्य भारत का क्षेत्र है उसमें होगा और इसको नाम दिया जाएगा नंबर चार वाले को मध्य देश, मध्य देश। ठीक है, ये चार नंबर का इनका विस्तार है और फिर
जो आखिरी जो इनका विस्तार होगा या आगे जो इनका विस्तार होगा वो विस्तार है, एक तो ये लोग बंगाल वाले क्षेत्र को और बिहार वाला जो बचा हुआ भूभाग है उसको काबू में कर लेंगे, और नीचे की तरफ क्या है कि रेवा नदी जिसको नर्मदा नदी बोला जाता है, और एक जो विंध्याचल पर्वत है वहाँ तक इनका विस्तार हो जाएगा। तो ये इनकी दक्षिणी सीमा होगी, और इधर पूर्व की बात करें तो ये लोग बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और इस पूरे प्रदेश को यानी सप्तसेंधव, ब्रह्मवृत प्रदेश, ब्रह्मऋषि प्रदेश, मध्य देश और इन सबको मिला करके, यानी इतना जो इनका भौगोलिक विस्तार हुआ है इस सब को मिलाकर के नाम क्या दिया जाएगा, आर्यावर्त। ठीक है, यानी आर्यावर्त के अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहले इनका विकास होता है या विस्तार होता है वो है सप्तसिंधु प्रदेश में, उसके बाद में ये आते हैं ब्रह्मवृत प्रदेश में, उसके बाद में ब्रह्मऋषि प्रदेश में, उसके बाद मध्य देश, और सबसे अंत में जो पूरा विस्तार है वो है आर्यव्रत का। ठीक है, तो ये खास करके पूरा जो उत्तर भारत है वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आर्यों का भौगोलिक विस्तार हो जाता है। एक इनको हिमालय पर्वत के बारे में जानकारी है, हिमालय पर्वत के बारे में जानकारी है, और यहाँ की एक चोटी है मूंजवंत, मूंजवंत जो चोटी है हिमालय की उसके बारे में इनको जानकारी है। यहाँ से ये लोग क्या करते हैं, एक पेय पदार्थ है सोमरस, सोमरस की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, इस समय तक इनको समुद्र के बारे में जानकारी हो जाती है, रेगिस्तान के बारे में जानकारी हो जाती है, और कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनके नाम हैं कौच, मैनाक, त्रिकबूत, ये पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनके बारे में इनको जानकारी हो जाती है। ये खास करके पूर्वोत्तर जो प्रदेश हैं या पूर्वोत्तर भारत है ये वाला, यहाँ पर ये पर्वत श्रेणियाँ स्थित थी। तो हमने यहाँ पर आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में चर्चा की। इसको दोबारा से समझते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि आर्य कहाँ से आ रहे हैं, मध्य एशिया से। फिर अगर भारत की बात करें तो भारत में ये अफगानिस्तान होते हुए, यानी सबसे पहले ये आते हैं अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान है, उसके बाद में अभी का जो पाकिस्तान है इस वाले भूभाग में आते हैं, और जो पंजाब वाला भूभाग है उसमें आते हैं, और इस पूरे भूभाग को नाम दिया गया है सप्तसेंधव। ठीक है, तो सबसे पहले ये लोग आते हैं सप्तसेंधव भूभाग में, यहाँ आकर के ये ऋग्वेद की रचना कर रहे हैं, और इसी सप्तसेंधव में होता क्या है कि दो युद्ध भी देखने को मिलते हैं, एक तो है दिवोदास और एक अनार्य व्यक्ति है संबर, इन दोनों के बीच में होता है, जिसमें दिवोदास है ये विजय होता है, और दूसरा जो युद्ध है वो सुदास, ये दिवोदास के पुत्र हैं सुदास, सुदास और दस राजाओं के बीच में होता है, जिसमें सुदास विजय होता है। ये रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, रावी नदी के तट के ऊपर सुदास और दस राजाओं के बीच में युद्ध होता है जिसमें सुदास विजय होता है। यहाँ पर सुदास है, उसके जो पुरोहित हैं वो वशिष्ठ हैं, और दस राजाओं के जो पुरोहित हैं वो हैं विश्वामित्र। ठीक है, तो ये जो युद्ध हो रहे हैं ये भी पूर्व वैदिक काल के अंदर जब सप्तसेंधव में विस्तार हो रहा है तब की घटना है। फिर हमने देखा कि जो इनका उत्तर वैदिक काल में विस्तार होता है वो एक नंबर के ऊपर होता है,
ब्रह्मव्रत प्रदेश और बाद में ब्रह्म ऋषि प्रदेश। ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश है वो गंगा यमुना का भूभाग है, और ब्रह्मव्रत वाला जो क्षेत्र है वो है अभी का जो कुरुक्षेत्र वाला भूभाग है उसके बारे में। फिर इनका जो विस्तार होता है वो मध्य प्रदेश की तरफ होता है, यानी मध्य देश में होता है, और बाद में ये लोग क्या करते हैं, जो विंध्याचल है, विंध्याचल की पहाड़ी है या फिर जो रेवा नदी है, नर्मदा नदी, वहाँ तक इनका विस्तार हो जाता है। और कुछ विस्तार इनका पूर्व की तरफ होता है जिसके अंतर्गत बंगाल व बिहार का भूभाग है, और इस पूरे भूभाग को नाम दिया गया है फिर आर्यव्रत। ठीक है, तो इस तरीके से जो आर्य हैं उनका पूर्ववेदिकाल और उत्तरवेदिकाल में विस्तार होता है। आज यहीं तक, अगली क्लास में हम इनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में देखेंगे, या इनके जीवन की जो विशेषताएं हैं, जैसे राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन है उसको समझेंगे, और इस समय जो साहित्य लिखा गया था उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।